एमएनसी बेटर है, मतलब बेटर है एमएनसी बेटर, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपने बोला कि आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी दीदी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो लोग दिन भर भागा दौड़ी करते रहते थे, पापा ट्रेजरी में थे, रात को 10:30-11 बजे घर आया करते थे, उसके बाद भी मम्मी के साथ खाना बनवा दिया करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आलसी प्रवृत्ति का इंसान ऐसा कर सकता है। दूसरी बात, मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब में, उनका एक बेटा है 4 साल का, उसे पढ़ाती हैं, घर का खाना बनाती हैं, आलसी प्रवृत्ति का इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसकी बात, आप अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, ट्रेजरी में जाइए, कलेक्ट्रेट कैंपस में जाइए, हाईकोर्ट में जाइए, रिजर्व बैंक जाइए, स्टेट बैंक जाइए, वहाँ पे जो भी आपको क्रिएटिविटी दिखती है, क्रिएटिविटी बस आपके वर्क में या पीपीटी फाइलिंग में नहीं दिखती, आपको ऑफिस के कल्चर में भी दिखती है, तो आपकी क्रिएटिविटी वहाँ दिख जाएगी। और मुझे, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं करता इस पॉइंट का कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। दूसरी बात, प्रतीक्षा दीदी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था रिजर्वेशन का, और फिर दीदी ने बताया था कि जैसे ही 4 साल की इंजीनियरिंग करो, 4 साल की इंजीनियरिंग में करीब यहाँ कोई इंजीनियर है, लगभग मान लो 4 साल की इंजीनियरिंग में 50 एग्जाम्स होते हैं मान लो, उसके बाद एक एमएनसी आती है और आपको 10,000 का जॉब ऑफर करता है, रिजर्व करता है इंजीनियर 10,000 का जॉब। मुंबई दिल्ली बेंगलोर जैसे एरिया में 12-15 हजार में किस प्रकार से गुजार करोगे मुझे नहीं पता, जबलपुर में तो नहीं। एक टाइमिंग ऐसा नहीं है, एमएनसीज में ना आपको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है, दूर से ना आपको एमएनसीज बहुत अच्छी लगती हैं, आपको सुबह 9 बजे बुलाया जाता है, उसके लिए आपको सुबह 7 बजे निकल के लोकल पकड़ना पड़ता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, 8:30-9 बजे तक आपकी छुट्टी होती है, उसके बाद आपको होमवर्क मिलता है कि घर में जाओ करियर पीपीटी बना के लाओ, आपके पास आपकी जिंदगी नहीं रह जाती, वो आपको 70-80 हजार 90 हजार 1-1.5-2 लाख का पैकेज देते हैं, लेकिन आपसे उतना काम भी करवाते हैं। दूसरी बात, उन लोग इतना पैसा देते हैं, तो आपको अगर मुंबई दिल्ली बेंगलोर में फ्लैट लेना है तो आपको 40,000 किराया भी देना पड़ता है, आपको जबलपुर में 3,500-4,000, भोपाल में 3,500-4,000, इवन दिल्ली में भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एक क्वार्टर अलॉट होता भी है अगर आपके पास खुद का घर नहीं हो तो। उन लोग इतना पैसा देते हैं तो काम करवाते भी हैं, दूसरी बात वो आपको बड़ी सिटी के हिसाब से पैसे देते हैं और आपसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। आपको अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो आपको ये बात मेरी जरूर याद आएगी कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ नहीं है, बंधुआ मजदूर। आपको मैं बता चुका हूँ कि आलसी नहीं होते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है मल्टीनेशनल कंपनी में, आप जितनी ब्यूरोक्रेसी करो, ब्यूरोक्रेसी मतलब चाटुकारी, आप जितनी ज्यादा करोगे उतना बेहतर, उतना प्रमोशन। हर्ष ने बोला कि इंजीनियरिंग करते हैं 50 एग्जाम होते हैं, कौन से 50 होते हैं? बहुत सारे होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, मंडे के टेस्ट होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर के आप एग्जाम देते हो, 4 साल लेते हो, ठीक है, वो आप तैयार होते हो, 12 हजार ग्रेजुएशन करके आप डिग्री लेने के लिए तैयार होते हो, आपको पता रहता है कि ये 4 साल में कोई एमएनसीआईटी में चला जाऊंगा, ठीक है, उसमें भी तो बैकलॉग्स रहते हैं। आपको क्वार्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्वार्टर्स प्रोवाइड
बहुत ही हाई होता है, ठीक है, वो मतलब 11-12 से आपका वो दिख जाएगा कि हाँ ठीक है ये बंदा निकाल सकता है, उसके लिए इतनी इतनी घंटों घंटों मतलब 24 में से 20-25% आपको प्रिपरेशन करने, ठीक है, अच्छा मानते हैं अगर आपका माइंड बहुत बहुत शार्प है तो आप कर सकते हो 10-12 घंटे, जैसे टीना डाबी ने बताया था कि वो कुछ नहीं पकड़ती है, वो सिर्फ 10 घंटे पढ़ती है, वो 7 बजे से पढ़ती थी शाम को 7 बजे, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड में आते हैं ना, हम में से तो हमें नहीं लगता कि कोई मल्टी टैलेंट तो यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं ना कहीं आईएएस की जॉब कर रहे होते हैं। अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, प्रमोशन स्किल्स बढ़ती है, प्रमोशन भी होते हैं, एक्टिविटीज भी होती है, जैसे रिजर्व बैंक की बात कर ली जाए तो आप स्पोर्ट्स में भी अगर अच्छे हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है, जैसे छोटे स्तर में ज्यादा गवर्नमेंट वाले, बड़ा स्तर तो बहुत कम, अगर आप बैंक में पीओ में आपको एवीएम की पोस्ट कभी नहीं निकलती है, एवीएम आप इंटरनल प्रमोशन होते हैं, आपके लिए उसका इंटरनल एग्जाम होगा, अगर आप बैंक को क्वालिफाई करते हैं वो भी उसके क्राइटेरियाज में कि लोन के सेक्टर्स का पूरे एक सेपरेट एग्जाम होगा, उसको क्लियर आउट करेंगे तभी आप बन पाएंगे एवीएम, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ हर महीने हर दिन स्किल पे काम होता है, आपके यहाँ का काम होता है? सर हमारे यहाँ काम नहीं भी होगा ना तो भी हमको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन अगर एमएनसी वाले स्किल डेवलप नहीं करेगा ना तो उसको एक साल के अंदर नहीं निकाला जाएगा। सर गवर्नमेंट में कभी नहीं, जिस दिन हम ज्वाइनिंग लेते हैं सर उस दिन हम बॉन्ड साइन करते हैं सर अपने कि हम कितने साल का, बस ना गवर्नमेंट में होल लाइफ का साइन होता है। अगर आपने कहा था कि 22 साल में मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, मैम ये चॉइस मेरी है, चाहे मैं 22 साल में ना मध्य प्रदेश का आईएएस बन जाऊँ, चाहे 22 साल में श्रीराम से इंजीनियरिंग कम्प्लीट कर लूँ। आपका आपको पता है कि आपकी जॉब सरकारी जॉब लग जाएगी तो उसकी मल्टीनेशनल कंपनी वालों को अगर सुनने की तैयारी करते तो वो वहां तक पहुंच जाते, तो आपका निश्चित रहता है कि आपकी लग जाएगी? एमएनसी और गवर्नमेंट में सबसे बेसिकली अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठते हैं एमएनसी में तो एमएनसी के कुछ क्राइटेरियाज है, अगर आप 12th में 65 या 60% है उसके बाद ही आप दे पाएंगे एमएनसी से, और गवर्नमेंट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ 50% है सर, 50% है, 50% है सर, 50% है, हमने चाहता हूँ सवाल पूछे गवर्नमेंट जॉब वालों से, जैसे इन्होंने बोला थे चाटुका विद्या की बात है कि प्रमोशन होगी, सवाल पूछना है, मैं भी बोलता हूँ कि जैसे आपने बोला कि ग्रोथ की क्रिएटिविटी की बात आप कर रहे हैं, किस तरह की क्रिएटिविटी होती है पहले मैं हर्षित जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों को बूटस्ट्रैप और भी टेक्निकल है लेटेस्ट अपडेटेड लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, वहाँ पर ये सब सिखाया नहीं जाता, अपडेटेड बहुत ही कम होते हैं। दूसरी चीज़ एक और सवाल है कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स कितनी बची हैं, पहले से बहुत कम हो गई हैं, जो 14 रत्न बोले जाते थे भारत के वो भी बहुत धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो गया, और बाहर से भी एमएनसी कंपनी आपकी जारी है, यहाँ पे भी नई नई कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादातर एमएनसी में जारी है, आजकल लोगों का ट्रेंड भी इसी है, तो आप बताइए कि गवर्नमेंट जॉब में जो है सिक्योरिटी आजकल लोग नहीं देते, तो और क्या आप समझते हैं कि और क्या रीज़न होगा कि गवर्नमेंट जॉब से लोग एमएनसी में शिफ्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो 51% शेयर्स देती है, 49% खुद रखती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो प्राइवेट हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट ही रहते हैं। दूसरी बात क्रिएटिविटी में आप रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में एमएनसी में आपको क्रिएटिविटी एक्टिविटीज इसलिए कराई जाती है क्योंकि वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपसे एक महीने काम करवाएंगे और आपका एक हफ्ते एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तो आप छोड़ के भाग जाओगे, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको
एंटरटेन करेगी, वो आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाएगी, वो आपसे दिवाली में रंगोली बनवाएगी अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के हो तो। जब स्किल्स की बात होती है तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें इसी की ट्रेनिंग होती है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में पीपीटी मेकिंग, एप्लीकेशन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स नहीं सिखाई जाती। लेकिन जो नई स्किल्स आती है, नए नियम आते हैं, वो सिखाई जाती है। अगर आप नए नियम, मतलब अगर जो भी प्राइवेटाइजेशन वगैरह हुआ है, या फिर अगर हमेशा आगे आने वाले जो एससी एसटी की बात होगी, तो ये नियम से आपको अवगत कराया जाता है कि भाई ये नए नियम से आ गए। रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट जॉब की। एमएनसीज में आपको नई क्रिएटिविटी या नई लैंग्वेज या नए कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें नहीं सिखाओगे तो एमएनसी भी बंद हो जाएगी, और एम्प्लॉयज की तो वैसे भी मेरे को नहीं लगता कुछ वैल्यू रहती है एमएनसीज में, तो एमएनसी वैसे भी बंद हो जाएगी। अभी तीन कंपनी बंद हो गई, फोर्ड बंद हो गई, मास्टर कार्ड बंद हो गई, सिटी बैंक बंद हो गया, और बैंक भी तो मर्ज हो गई सर। हाँ सर, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एपीबी हो गई है। मैम अभी प्राइवेटाइजेशन की बात करें, इससे गवर्नमेंट और एमएनसी की बात। ऑडियंस कोई सवाल पूछना चाहता है किसी से तो पूछ सकता है। एक सवाल गवर्नमेंट से रहेगा, एक सवाल इससे रहेगा। कोई और सवाल किसी का? सर पिछले सवाल है। हाँ सर, जैसे भैया ने बोला कि 12,000 सैलरी से स्टार्टअप करते हैं इंजीनियरिंग वाले, तो जैसे कि हम लोग 12,000 से स्टार्टिंग करके एक साल का एक्सपीरियंस ले लें तो हमारी सैलरी डायरेक्ट इंक्रीज होती है दोगुनी या तीन गुनी। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले वही तैयारी करके रह जाते हैं 5 साल या 6 साल, तो उतने में आप तैयारी करके जो जॉब पाएंगे और एमएनसी वाले कितना कमा रहे हैं। ज्यादातर पॉइंट्स ये दिख रहे हैं कि जल्दी पैसे कमाओ, मेहनत मत करो। ज्यादातर पॉइंट ही तो यही है, बिना मेहनत के लोग पैसा कमाना चाहिए। हमारी है कि हम 4 साल प्रिपरेशन करेंगे। प्राइवेट जॉब में चलो हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोग कैपेबल नहीं थे, क्रिएटिविटी नहीं थी, हम लोग की एज 35 साल हो गई है, उसके बाद हम जाके प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हम हार गए, हम लूजर बन गए, उसके बाद हमारे पास प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप प्राइवेट में हो शुरू से, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। हमारी चॉइस रहेगी, हम अगर प्रिपरेशन कर भी रहे तो हमारी लाइफ में आगे जाके कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हमने यार प्रिपरेशन नहीं की, मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं कैपेबल था, मैं पढ़ा नहीं। एक क्वेश्चन मिला है, सरकारी जॉब वाले को अगर उसने चाहा और उसकी एज निकल गई तो वो क्या करेगा? हम प्राइवेट में जा सकते, कैसे जाएगा, क्या सीखे जाएगा, क्या क्योंकि हम लोग का जो जोन लगता है जबलपुर जोन लगता है, तो यहाँ पे हमने एमएनसी कभी देखी ही नहीं। एक्चुअली मल्टीनेशनल कंपनी देखने के लिए पहले आपको कुछ दिन अगर घूमना हैदराबाद बैंगलोर या किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जाते हो ना, नहीं एक्चुअली यहाँ पे प्राइवेट और मल्टीनेशनल के बीच में डिफरेंस।
एमएससी नहीं पता किसी को कि है क्या। हम प्राइवेट कंपनी को एमएससी बता देते और एमएससी को प्राइवेट मान लेते, तो ये काफी डिफरेंस समझ में आता है। तो जो आप लोग की जो बात मैंने सुनी थी, इस बात से क्लियरेंस अभी आपको काफी कुछ है नहीं, क्योंकि जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश का जोन है, ज्यादातर यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां ही है, और प्राइवेट कंपनी के छोटे मोटे जो बेनिफिट हमें मिलते हैं उन बेनिफिट को हम सरकारी के मुकाबले काम आते हैं, हम सोचते हैं कि प्राइवेट में ज्यादा काम नहीं है। लेकिन मैं सवाल सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट जॉब टीम से कि किसी भी क्षेत्र की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट की जब बात आती है तो उस क्षेत्र में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी से डेवलपमेंट हाउ होता ना कि कितने सरकारी उपकरण लगे हैं। आपके जबलपुर में बहुत पहले से ऑर्डिनेंस है, डीजल फैक्ट्री है, रेलवे है, लेकिन इसके बावजूद जबलपुर की स्थिति क्या है आप जानते हैं, कई लोगों को जबलपुर नहीं पता कौन क्या चीज है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मल्टीनेशनल आ जाती है तो क्या जबलपुर नक्शे से गायब होता है? आज किसी को पता नहीं जबलपुर क्या, कोई योजनाएं हमें मिलती नहीं है, हमें मेट्रो ट्रेन भी नहीं मिल रही, फ्लाईओवर बड़ी मुश्किल से लड़ सड़क काम मिला है और सड़कें तो बनती नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देता नहीं है, सरकार कितनी बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट खोलने के बावजूद इस जबलपुर को मिल क्यों नहीं रहा, और एक इतनी सारी सरकारी विभाग जबलपुर में है उसके बावजूद भी कितने रोजगार जबलपुर वालों को मिला, सब तो प्राइवेट क्षेत्रों में ला दिया गया। आज ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस में आपकी नौकरी लग जाएगी आप जानते हैं, रेलवे में क्या आपकी नौकरी लग जाएगी? रेलवे का हेड क्वार्टर जबलपुर है लेकिन नौकरी रेलवे वालों को नहीं है, सीधे सीधे एंट्री बिहार वालों को होती है वहां पे और बैकवर्ड एंट्री वहां पे चल रही है। आप अगर बात करें हमारे एमपीपी की बात करें, मध्य प्रदेश इलेक्ट्री बोर्ड का हेड ऑफिस है सब प्राइवेट स्टेडियम में डाल दिए गए, हाईकोर्ट हमारे यहाँ पे पर हाईकोर्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से वैकेंसी है क्या आएगी, इतने सारे सरकारी उपक्रम हो गए कि एक जॉब जबलपुर वालों को नहीं मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पीछे होते जा रहे हैं। हम अगर हमारे पास अगर इतने सारे सरकारी उपक्रम की जगह अगर पांच घंटी एमएनसी अगर आ जाती तो क्या आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, आज हमारे एयरपोर्ट आज अच्छा नहीं होता? तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट जॉब वालों से कि इतने उपक्रम खोलने के बाद कितनी रोजगार की क्या स्थिति बन पाए? हम लोग तो जब आपकी उम्र में थे जब थे तो सपना देखते थे कि रेलवे हमारे पास है, बैंक के हेडक्वार्टर्स बहुत सारे हमारे पास है, हाईकोर्ट हमारे पास है, हमारे पास है कोल मैस की भी हेड ऑफिस है, विद्युत विभाग का हेड ऑफिस है, लेकिन वैकेंसी की रात रखते रखते ओवरेज हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकली और अब तो वैकेंसी के नाम पे कार्य प्राइवेट स्टेज में डाल दिए सब, तो फायदा क्या हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी उपक्रम और दो चार खुलने पे भी बेरोजगारी का कोई हल होगा, सिटी का डेवलपमेंट होगा कभी नहीं होगा? सरकारी उपकरण तो खोल ही सकते हैं, जितने खुले उतने खुले रहेंगे, सर कुछ नहीं कैसे होगा सर, हो ही नहीं सकता। आप मैंने अभी बोला था कि टाइम इश्यूज और हमारे अकालबंदी जो हमारी गवर्नमेंट जॉब के पास होती है, ऐसे सभी लोग एक गए होंगे SBI तो देखा ही होगा वहाँ पे, इसलिए सर हर चीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज मेन रीजन ये है कि हम गवर्नमेंट को कम सैलरी में ज्यादा काम करवाना है, इसलिए वो हर चीज को आपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 को भी कटानी को दे दिया गया है, इसलिए क्योंकि अगर मैं वहां पे 1 TC रखूंगा तो उसको 50,000 देना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे अगर प्राइवेटाइज करके 6 TC रख लूंगा तो सबको 10,000 देने काम हो जाएगा। सर कुछ सेक्टर्स बचेंगे नहीं सर, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एमएनसी तो पहले बाहर कर देंगे ना मेरे को, मैं भी कह रहा हूँ मेरे 12 में परसेंटेज नहीं है तो मैं एमएनसी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बैठी है। मुझे अगली कंपनी पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो वो उसकी मुझे चीजें थोड़ी बेटर नॉलेज में होगी कि मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, वो भी गवर्नमेंट में जब जॉब्स निकलते हैं बहुत टाइम टेकिंग है कि मतलब 6 महीने बाद आएगी, 5 महीने, 1 साल बाद आएगी, लेकिन एमएनसी में हर दिन या हर हफ्ते में जॉब निकलती रहती है हर एक कंपनी एमएनसी में, एक ही एमएनसी कंपनी है इंडिया में, तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज है जो आप 55% की बात है। दूसरी बात तो आती है कि सर ने जिस तरह से बताया है कि टेंडर्स की, आज ही मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा है कि MPP भी अडानी के अंडर जा रहा है, और क्यों जा रहा है? दूसरी एक और बात, हम मुंबई है, हम बोलते हैं मुंबई है, बैंगलोर है ना, जबलपुर क्योंकि गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज्यादा यहाँ पे जॉब्स है, जबलपुर नक्शे में या इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में नहीं आता है एज पर फाइनेंशियल, लेकिन बैंगलोर आता है, दिल्ली आता है, इवन बाहर की
कंपनी से जो हांगकांग हो गया, शंघाई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये वहाँ की कंपनी से भी जाना जाता है, बाकी कोई गवर्नमेंट सेक्टर से पर्टिकुलर जाना जाता है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरा क्राइटेरिया नॉर्मल है 55% 12th। आप एमएनसी कौन कौन सी, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, तीन मेन एमएनसी है, आप मुझे बैठने देंगे? मैडम सिर्फ आप आईएएस, एक तरफ आप आईएएस को रखिए और एक तरफ ये तीन एमएनसी को रखिए, आप किसमें बैठने देंगे मुझे? अगर मेरे 55 है तो गारंटी क्या आप ले सकते हैं कि आप मुझे एग्जाम देने देंगे? रिलायंस है, बहुत सारी कंपनीज है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है किसी प्राइवेट कंपनी से, फिर उसको आपको स्विच ओवर 2 या 3 साल में कर सकते हो। नहीं तो मतलब मैं पहले तो आपको रास्ता खुला ही, आपको एमएनसी की जॉब चाहिए, ऐसा हो सकता है कि पुलिस का पहले कांस्टेबल बनो, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कांस्टेबल आईएएस बन जाता है। आपको एक्सपीरियंस लेके मिल रहे सरकार ने अब जॉब्स को काटना चालू किया था, जिसको हम कहते हैं कि जॉब देना बंद करने का।